बीजेपी की लहर 2017 में थी, इस बार थोड़ा वो दिख रहा है नहीं? अब की खुद ही जान जाएगी बीजेपी कैसे लहर में आ रही है। हम तो साहब चाय बेच साहब 10 रुपया कमाई थी बस साहब, चाय बेच रहे हैं। हाँ साहब, बहुत जल्दी आपका भविष्य उज्जवल है लग रहा है। सपा का वोट नहीं है ये सपा का वोट नहीं है, ये बीजेपी का विरोध का वोट है, जनता त्रस्त हो गई है बीजेपी। 25 किलो ले लो, 5 किलो दे दो, बराबर हो रहे हैं। उनको मैं जानता ही नहीं हूँ, शकल ही नहीं जानते, देखे ही नहीं, टुकड़ा रहे विधायक की टुकड़ा रहे यहाँ विधानसभा। गांव जो है साइकिल का दीवाना है क्या? गांव नहीं, पूरी यूपी दीवाना। सपा का दीवाना नहीं है ये, अखिलेश का बीजेपी से परेशान है। अब गांधी बैठा है, चलते में गांधी बैठा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है NUBT के सभी दर्शकों का, बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार आप लगातार दे रहे हैं हमें और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब जिस गांव में आज आए हैं, ये गांव कुछ अलग है और इस गांव का नाम कुछ अलग है, कृष्णापुर इस गांव का नाम है। तो भैया कनेक्ट भी कर लेती हूँ जल्दी से, मीरा राजपूत कृष्णापुर आ चुकी है और देखिए लगातार हम जो है गांव की कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक वादा किया था शहर भले ही छूट जाए पर कोई गांव ना छूटे, क्योंकि गांव में सबसे पहले ये देखना होगा कि विकास कितना पहुंचा, विकास इस गांव में पैदा भी हुआ या नहीं हुआ, जैसे बहुत सारी हमारी जनता कहती रहती है, यही डायलॉग उनके दिमाग पे होता है। तो चलिए, बहुत सारे हमारे गांववासी यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, जाते इधर उधर जाते हुए हमने पकड़ लिया बहुत लोगों को और अब देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। सवाल क्या, महंगाई इतना तेज है जो है, बछड़ा जो है ये देखिए हमारा शरीर देखिए, बछड़ा खेत के आ रहे हैं, खेत से 4 बीघा का हम काश्तकार हैं, वो बोए धान खा ले रहे हैं सब हमारा। निपटा जा रहे हैं, क्या करें हमारे बच्चे, क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं सरकार से, जनता त्रस्त हो गई है। अच्छा, बीजेपी सरकार से सरकार है त्रस्त हो गई मैडम, बेरोजगार लड़के सब बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट में भी 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही मैडम। अरे आइए, 12,000 की मैडम नौकरी नहीं मिली है प्राइवेट में, कहीं प्राइवेट बताए, लड़के घूम रहे क्या करेंगे, जाके चोरी चमारी करेंगे यही, और क्या क्या करेंगे? गवर्नमेंट हो, रोजगार तो रोजगार है। हाँ रोजगार है, हाँ रोजगार है, लेकिन जो रोजगार मिलेगा तभी तो रोजगार होगा। प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो मिलना तो चाहिए सही, उतना हम बछड़ा हाँकने के लिए है, बछड़ा को हाँकी अपने खेत से, उसके बाद 10 रुपए में बेचिए। अच्छा, केवल लाठी लेकर खेत में जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी? अच्छा देखिए, मीडिया वीडिया तो आती नहीं है, ये तो सच्चाई है, हर गांव तक नहीं पहुंचती है। अब ऐसा कुछ मन में दबा बैठा है कि भाई आज तक नहीं बोला, बोलना है हमको कि सरकार ने ये किया। विरोध नहीं करेंगे तो हम, अब हम किसान हैं, वहाँ दिल्ली नहीं जा पाते, छोटे किसान हैं, किसानों के लिए देखिए 9 महीने वहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, मतलब आप लोग जा नहीं पा रहे पर समर्थन, समर्थन बिल्कुल समर्थन, हम किसान हैं, समर्थन नहीं करेंगे, पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। अच्छा, हम जा नहीं पाए, छोटे किसका किसान है वहाँ नहीं जा पाएंगे भाई, हमारे पास खर्चा नहीं होने के लिए, वहाँ रुक नहीं पाएंगे। से कैसे कहेंगे कि भाई किसान का, हाँ अच्छा एक चाचा और हैं, कुछ उन्हें बड़ी दिक्कत है, हाँ बताइए क्या, कैसे इतने नाराज हो रहे हैं बताइए। साइकिल मोहर लगाओ एक बार, कहो बा। अच्छा साइकिल तो ही मोहर लगाएंगे, वही तो चली थी। अच्छा, खुले में खुला में क्यों डरना है परी बा। अच्छा, उन्हीं को वोट मिलेगा? हाँ उन्हीं को देंगे। अच्छा, इस बार क्यों जो है आप साइकिल पर विश्वास कर रहे हैं, फूल पर क्यों विश्वास नहीं? बात ऐसा है, विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि मर्यादी हारी बेगारी वाली दौड़ी है, फूल वाले नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। अच्छा, अच्छा, फूल वाले तो और भी कुछ दिक्कत है, वो सब खा लिया था, तो ये रहे ना, जनता ने छोड़ा है। अरे पहले मेरे यहाँ भाई जनता ने छोड़ा है तो क्या किया जाए, इसमें एक नुकसान हो रहा है, खाने बिना हम लोग मर जाए साहब। नहीं सही बात है, मतलब महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई कम है भाई साहब, गरीब आदमी मर खा बिना मर जी मरते, बड़े बड़े आदमी करके कह लही है। हम तो साहब चाय बेच साहब 10 रुपया कमाई थी बस साहब, चाय बेच रहे हैं। हाँ साहब, तो बहुत जल्दी आपका भविष्य उज्जवल है लग रहा है। जाने वाले हैं काम, आपका उज्जवल दिख रहा है हमें बस साहब। एक कहीं ना कहीं चाय को तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पिछले 10 सालों से इम्पोर्टेंस दी जा रही है चाय वाले को भी, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री, सीधे बोल देती हूँ, प्रधानमंत्री से कुछ सीखे कि कैसे जो है चाय से लेकर के राजनीति भी की जाती है। तो अब गांधी बैठा है, चलते में गांधी बैठा है, अपना बतला बतला नहीं है। नाराज हो गए हैं वो। अब आप बताइए, आप बोल रहे थे कि हमको बोलना है पर पहले चचा से बुलवा लो। युवा इस बार क्या सोचता है कि युवाओं के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए, और एनालाइज करके पूरा क्या आप लोग
साइकिल की सरकार आएगी, क्योंकि अखिलेश भैया ने बहुत नौकरी दिलवाई थी। और जो योगी जी हैं बोलते हैं 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार एक भी नहीं मिला है। पुलिस की वैकेंसी आती है वो कोर्ट में जाती है, कोई यूपी लेखपाल की वैकेंसी 5-6 साल 8 साल हो गए नहीं आई है। अच्छा अच्छा, आपके ही बिल्कुल मिलते जुलते गांव के पास ही अभी मैं गई हूँ, खानपुर, आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। वहाँ पर एक शख्स कह रहे थे कि भैया रोजगार तो मिल रहा है, 69,000 जो है भर्तियाँ फिर से मिल गई है और कहीं ना कहीं अब रोजगार पे बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तमाम चीजें कैसी लग रही है कि केवल ढकोसलेबाजी हो रही है या कुछ और ही हो रहा है? केवल एडवर्टाइजमेंट में आती है नौकरियाँ, हाँ, केवल पेपर 52,000, 51,000, 30,000 यही सब आती हैं। धरातल पर कुछ नहीं, कुछ नहीं पहुंचता है मेरे लेवल तक। अच्छा, ये भी ये बड़ी चीज है कि जो युवा जो है कहीं ना कहीं सक्षम होगा उसी को रोजगार मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि भाई सक्षम किस तरीके से आप सोचते हैं कि किस तरीके से सक्षम होना चाहिए? यहाँ घर गिर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। घर गिर रहा है, गाँव वालों पूछने वाला नहीं गरीबों का। सरकार क्या पूछे आपसे? क्या पूछने के लिए बचा है अब सरकार को? कुछ पूछने के लिए देखने नहीं आ रहे हैं, लेखपाल नहीं आ रहे, ना उनके सेक्रेटरी आ रही, उनको फोन करिए वो बोलती नहीं। सिस्टम नीचे निचले स्तर पे बात करें तो कोई सुनवाई ही नहीं है, कुछ नहीं पब्लिक की है। अब आप भी बता दीजिए भैया, अरे कहाँ भाग रहे हैं बताइए, इस बार योगी जी आ रहे हैं या फिर अखिलेश कौन आ रहे हैं? अखिलेश जी आ रहे हैं। कैसे ये पूरा गांव जो है साइकिल का दीवाना है क्या? गांव नहीं, पूरी यूपी दीवानी है, पूरी यूपी है। मैडम दीवाना नहीं है, बीजेपी सपा का दीवाना नहीं है ये, अखिलेश का बीजेपी से परेशान है, इसलिए विकल्प वही है, विकल्प वही है, हाँ विकल्प सपा है। बीजेपी को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? हल्के में कोई नहीं है, हल्के में कोई नहीं है, हल्के में नहीं है। चुनाव हार जाएंगे, योगी आएंगे वो भी हार जाएंगे यहाँ से। हाँ, 15 मिनट में हम लोग फैजाबाद पहुँचे, चाहे जिस रोड से जाए अखिलेश देन है। हाँ, 15 मिनट में चाहे जिस रोड से जाए फैजाबाद पहुँच जाते हैं। और भाजपा सरकार में कोई भी सड़क नहीं बनी है। अच्छा काम किया है अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल किया है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या बढ़िया किया? राम मंदिर कुछ नहीं, राम मंदिर कोर्ट बनवाया है मैडम, योगी आदित्यनाथ नहीं किया है, उसने कोर्ट का फैसला आया उसके बाद बन रहा है। जब पेट में जब बहका रहे हैं, जब अनाज नहीं रहेगा तो हम आश्रय लेकर क्या करेंगे मैडम? जब हमारे पेट में भोजन नहीं रहेगा लेकर क्या करेंगे? विधायक नहीं आए यहाँ, विधायक नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं। कौन पार्टी से? भाजपा से है। हाँ, यहाँ नारायण जी जी थे, कम से कम यहाँ मर रहे थे गरीब, तो पहुँचते थे वहाँ देखने के लिए। और एक विधायक हमारे यहाँ हुए हैं बेद जी, आज तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, ये कैमरा आदमी, अरे हम कैमरे पे हैं, कहीं भी हैं। ये जितने आदमी खड़े हैं अगर विधायक जी का चेहरा बता दें तो हम जान जाएंगे यहाँ विधायक जी को पहचान रहे हैं। विधायक जी का चेहरा ही नहीं जानते चुनाव में? मैडम वही चुनाव में जो देखा होगा, देखा होगा चुनाव में, उसके बाद से कोई बता दे यहाँ जितना है कोई देखा होगा विधायक को? हाँ हम भी नहीं देखे हैं हमारे विधायक जी, अरे हम देखे ना है, हम भी नहीं देखे हैं जी को, देखने की आस है कहीं अंदर में है? अरे क्यों नहीं, कम से कम ये तो है, हमारे विधायक कैसे हैं उनको मैं जानता ही नहीं हूँ, देखे ही नहीं सकल को, भूले भटके आ जाए तो पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे विधायक? नहीं 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 पहचान पाएंगे, ठुकरा रहे हैं विधायक की, ठुकरा रहे हैं यहाँ विधानसभा दिखाने के लिए। हमारे यहाँ विधायक जी जब आए ही नहीं है अपना चेहरा दिखाने के लिए 4 साल में, तो कौन चिन्हेगा उनको? जरा पहचानवाइए। हम लोगों का घर गिर गया है, कोई मुंह दिखाने नहीं आया है, चलो दिखाएं, कोई पूछने वाला नहीं। और बताइए और क्या क्या सरकार ने नहीं किया जो आप लोगों के लेकर? गाय गोरु सब खेत चपल ले रहे हैं, गैया गोरु सब खेत खा ले रहे हैं, हम गरीब जी का यही विकास? हाँ यही विकास है। सवाल तो ये है क्या यही विकास है? क्या यही विकास दिया है? और एक और युवा की बात थी कि क्या कहीं ना कहीं चलाने के लिए ही यही रोजगार है कि भैया भगाते रहो और यहाँ पर रहते रहो, यही लाठी मैडम लेके रात भर दौरे पड़त है। हाँ। रात भर देखना पड़ता नहीं, खाए नहीं 2 बीघा धान भाव का खाए नहीं। शिकायत क्यों नहीं करते? वो तो बड़े शिकायत करी, कहाँ शिकायत किया आप लोग? शिकायत आपसे कर रहे हैं, आप शिकायत कीजिए ना। हम हमसे शिकायत कर रहे हैं तो हम जरूर दिखाए। सवाल आएंगे तो आपसे शिकायत कैसे हो पाएगी बताइए? अरे जब हम फोन करते हैं तुम्हारे पास तो आप उठा ही नहीं रही हैं, तो शिकायत किससे करें? हमारे पास फोन कर रहे हैं। अरे विधायक जी के पास या प्रधान जी के पास या उनके जितने सदस्य हैं उनके पास सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, जिम्मेदारी है लिखने के लिए, क्या कर रहे हैं बताइए? गांव का वोट मिलेगा इस बार, कृष्णापुर का वोट मिलेगा इस बार बीजेपी के विधायक को, प्रतिनिधि को, या फिर एक वोट यहाँ से नहीं जाएगा? कोई सपा का वोट नहीं है ये,
ये सपा का वोट नहीं है, ये बीजेपी का विरोध का वोट है। जनता त्रस्त हो गई है बीजेपी से, कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान है। परेशान मैडम सब, डीजल पेट्रोल महंग हो गया, खेती कैसे हुए, सोन बछुआ अलग खा लेते, महंगाई मार किसान वही परेशान, अलग बात पूरा देश एकदम। आप देखिए जब एक सांस में जो है सब कुछ गिना दे, सब कुछ बता दे, तो आप देखिए कि कितना परेशान है। 2015 से लागू हुआ है लैट्रिन हर गांव में 22 तक को पूर हो जाएगी। आज तक शौचालय मेरे गांव के अंदर कम से कम 100 शौचालय खड़ा हुआ है, जो कि उनके पास कुछ नहीं जमीन है ना उनके पास खाने के लिए है, उनका शौचालय नहीं बना। जिला ओडीएफ हो गया, जिला ओडीएफ घोषित कर दिए, अभी देखिए गांव में 50% शौचालय नहीं बना हुआ है। हमारे गांव में एक कम से कम 20 शौचालय अभी नहीं बना है, पूरा जो है गांव 20 ठो बना होगा, 40 ठो बचा है अभी। अच्छा, एक और भैया है, कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि भैया कोई ये भी कहे कि सरकार ने कुछ बढ़िया किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भैया आप जो है एक ही पक्ष दिखाती है। अब ये पूरा गांव यहाँ खड़ा है, आते जाते लोग खड़े हैं, इनको पक्ष कहेंगे विपक्ष कहेंगे, ये जनता है भैया, सुन लीजिए कान खोल करके। अब आप भी बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी वापसी होने, दोनों दावे कर रही है। हाँ, सपा सरकार, योगी जी के दावे, योगी जी के दावे फेल, टीवी चैनल पे दावे कर रहे हैं, भी दावे करते रहे हैं बैठ के, उस पे फेल हैं, मतलब मानना नहीं है उनके नहीं। दावे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लग रहा है कि कितनी सीटें इस बार योगी जी की आएंगी, सपा सरकार, सपा सरकार रहेगी, सपा सरकार रहेगी। हाँ, इस बार मन बना लिया। हाँ, सबने मन बना लिया। चलिए, इस विधानसभा से क्या कहना चाहते हैं? इस विधानसभा से तो हमारे पवन भैया रहेंगे, इस विधानसभा से पवन भैया रहेंगे। कौन पार्टी से ये भी इंडिकेट? ये सपा से हैं, सपा से हैं, देख रहे हैं। सभी के सभी जो है यहाँ पर साइकिल के दीवाने, पर मेरी बात को करेक्ट भी कर दिया भैया, साइकिल के दीवाने नहीं है, वो विकल्प बनाया जो भाजपा से पूरी तरीके से। जी मैडम, जी 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 हाँ। अब आप बताइए, हूँ तो कर रहे हैं बहुत देर से, आप बोल कुछ नहीं रहे, बताइए। अरे हम बोले ना रहे। क्या बोले बताइए, पूछिए। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि बालूल बच्चे को रोजगार, रोजगार या शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उज्ज्वला योजना, शौचालय, ये तमाम कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पहुँचा है। जो सपा सरकार में थी, हाँ, आज भी वही है, हाँ, थोड़ा सा है, केवल विकलांग और आदमी जो ठीक ठाक रहे उनका अपाहिज बना होता है, 5 किलो राशन, हाँ, और 2004-5 महीने में रुपया बनाने के लिए, चार पाँच किलो केवल राशन। हाँ, कि खाए लिया कहूँ काम करे ना ज्यादा। हाँ, तो ये कहेगी कम से कम इतना तो दे रहे हैं। अब गैया जो छोड़ दी, अब गैया छोड़ दी जो हमारे खेतों में होता है, फूल खा लिए थी। हाँ, कौन पूछे फिर उसको, कौन पूछे, वो का खा लिया थी। हाँ, 5 किलो दे के हमारे काम करता है। 5 किलो दे के गैया को खिला दो, वहाँ सब कुछ गया सब। 25 किलो ले लो और 5 किलो दे दो हमारा। 25 किलो ले लो, 5 किलो दे दो, बराबर हो रहे हैं हिसाब, बढ़िया कर रहे हैं आप, हैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद ब्याज सहित निकाल भी रहे हैं, यही हो रहा है भाई। आप तो दूर दूर जा जा के वापस आ जा रहे हैं। अरे अब घूम घूम कर सोचना पड़ता है ना, मैं बोल रही हूँ घूम घूम करके वापस आ जा रहे हैं, घूम करके सोचना पड़ रहे हैं। इधर से गेहूं धान ले रहे हैं और उधर से पेट्रोल और डीजल में, आओ बेटा भरा भरा के यहाँ जोतवाओ। 400 की जहाँ जोताई हो रही है वहाँ 1000 की जोताई बना रहे हैं। अच्छा, ये भी किसान परेशान नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। उसकी अच्छा, मैं सीरियस बात करती हूँ, अभी तक की सभी सरकारों को कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो पूरा बढ़िया कार्यकाल क्या रहा है, और योगी आदित्यनाथ क्या थोड़ा बहुत बढ़िया कर पाए और कहाँ कमी छोड़ क्या कर पाए हैं? यही एक काम कर पाए हैं, बछड़वा को छोड़वा दिए हैं, किसान को अपना रपट करके बैठे, हाँ, यही काम हुआ है, यही काम हम देख रहे हैं और कुछ देख नहीं रहे। जो बीजेपी की लहर 2017 में थी, इस बार थोड़ा बहुत दिख रहा है नहीं? अब की खुद ही जान जाएगी बीजेपी कैसे लहर में आ रही है। अच्छा, खुद ही जान जाएगी कि कैसी लहर में आ रही है। एक हमारे चचा हैं, बस उनसे बात कर लेते हैं, और पीछे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, अब आप बताइए, आप कह रहे हैं बहुत सही आदमी। योगी सरकार में अधिकारियों को आदेश दिया जाता है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रधान ही कार्य नहीं कर रहा है, रास्ता ब्लॉक है, प्रधान की कमी है, प्रधान की कमी है। तहसीलदार आदेश देते हैं, आदेश का उल्लंघन हो रहा, 3/3/2020 का आदेश तहसीलदार का है। योगी जी तो काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, उनसे भी तकलीफ है, तकलीफ है ही है। अच्छा, दोनों से ही तकलीफ है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई हो, जब काम नहीं होता, कागज में काम होता है, कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में काम काम कहाँ हो रहा है? काम चलिए, नाला खुदा, कागज में नाला खुदा है, मौके नाला खुदा नहीं है। हाँ, और क्या, कागज में खुदा है नाला, और वैसे खुदा नहीं है। हाँ, और खानपुर का पैसा सड़ा मौजम लग रहा है। हाँ, और बताइए,
और क्या बताएं, यही बहुत सारी चीजें हैं ना। अब नील गाय बड़ा ही जानवर से हस्तक्षेप होता है, फसल हमारा नष्ट हो चुका है। योगी सरकार में परेशान परेशान बा, और लग रहा है इस बार थोड़े बहुत चांस है। हमका केवल समाजवादी पार्टी प्रसन्न हुआ, समाजवादी बस थोड़ा बहुत, और किसी पे भरोसा, किसी भरोसा नहीं। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। भैया पूछे भाई साहब, साइकिल चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी। ना चल पाई साइकिल, ना चल पाई साइकिल, चले मैडम। जनता का आक्रोश बा, पूरा जोन बाटे पूरा प्रदेश में जनता का आक्रोश, एक हम देखा थे। हम समाजवादी तो नहीं है? हम तो समाजवादी पहले से हैं। पहले ही बता दिया, हम तो समाजवादी पहले से ही हैं। सभी समाजवादी नहीं, सभी ना ही समाजवादी, हम समाजवादी नहीं है मैडम, लेकिन विकल्प है समाजवादी, क्या करेंगे। बात है कि कहीं ना कहीं विकल्प है समाजवादी, भैया समाजवादी नहीं है, जनता है, हम जनता है, जनता बोल रही है कि इस बार विकल्प समाजवादी है, बीजेपी को छोड़ करके अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होती नजर आ रही है। और ये कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर से क्या पब्लिक ओपिनियन निकल रहा है वो भी आपको दिखा दिया। सभी बहुत सारे लोग थे, जल्दी जल्दी पीछे के लोगों से भी मैं जान लेती हूँ। अभी आप भी बता दीजिए कौन आने वाला, कौन जाने वाला है, जल्दी जल्दी। अखिलेश आने वाले हैं। अच्छा अखिलेश आने वाले हैं, अखिलेश अखिलेश पूरे गांव लगता है कि कृष्णापुर जो है पूरा साइकिल का छाप छूट गया है इस बार। अखिलेश भैया, अच्छा अखिलेश भैया आप भी बता जी। अखिलेश अखिलेश यादव, अखिलेश यादव एक ही शब्द जो है मुंह पे रटा हुआ है। एक भैया और भी थे, छुप गए हैं कहीं। आप भी बता दीजिए कौन आने वाला है, जल्दी बता दीजिए। अच्छा कुछ बोल तो दीजिए, डरे हुए हैं? अरे नहीं नहीं, योगी जी बोलना है तो योगी जी बोल दीजिए, हमें कुछ नहीं है। चलिए ये था कृष्णापुर, और लगातार हम कवर कर रहे हैं ज़मीनी सर्वे, और आप लोगों को सपोर्ट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ये दावा लेकर के चल रहे हैं कि हर गांव तक पहुंचने की हमारी अपील है कि हर गांव तक पहुंचे। जैसे वो भैया कह रहे हैं कि हर एक गांव में ज़रूर जाइए, ज़रूर जाएंगे। वही वादा जो अभी हमने सबसे पहले बोला कि शहर भले ही छूट जाए, गांव ना छूटे, क्योंकि गांववासी आस में रहते हैं कि कब मीडिया आए, कब कैमरा घूमे और कब इस गांव के हालात दिखें। फिलहाल के लिए